हेलो गाइस, तो हम आए हैं दिल्ली में आज़ादपुर आकाश सिनेमा। तो गाइस, यहाँ पे 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, हम इसे ऑन ग्रिड में कन्वर्ट करने वाले हैं और इसमें 5 किलोवाट और ऐड करेंगे तो यह 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम हो जाएगा। तो गाइस, आप देख सकते हो हमारे टीम मेंबर्स सोलर पैनल के स्ट्रक्चर की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह पैक होके आता है, टेप ही टेप लगी होती है बाहर से अच्छे से, और एक कट्टा होता है ये। और गाइस, आप देख सकते हो इस कट्टे के अंदर एक और पन्नी होती है, उसमें अच्छे से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे से लेमिनेटेड होता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। गाइस, ये इतने अच्छे से इसलिए पैक की जाती है इसकी पैकेजिंग, क्योंकि गाइस ये थोड़ी हार्मफुल चीज़ होती है, अगर ये आपके हाथ पे या पाँव पे लग जाए तो आपके कट लग जाएगा, तो उससे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है गाइस। तो ये इसलिए इतना अच्छे से पैकेजिंग की जाती है, और इसको सबसे पहले पन्नी में लेमिनेटेड किया जाता है, पन्नी से लेमिनेटेड किया जाता है गाइस सबसे पहले, फिर उसके ऊपर कट्टा, फिर उसके ऊपर टेप से गाइस इसे मतलब अच्छे से कवर किया जाता है, ताकि इससे गाइस एक और फ़ायदा होता है, मटेरियल को भी डैमेज नहीं होता, मतलब ट्रक में आ रहा है या फिर मतलब टेम्पू में, तो वो आप समझ सकते हो, तो मटेरियल से चीज़ भी डैमेज नहीं होती और मटेरियल भी डैमेज नहीं होता, तो गाइस ये एक अच्छी बात होती है। गाइस, तो आप देख सकते हो इस पे से टेप निकाल दी गई है और इसे कट्टे में से भी निकाल लिया गया है। गाइस, अब इस लेमिनेटेड पन्नी को बस निकालना है। तो गाइस, इसके अंदर से आप देख सकते हो क्या निकलेगा। गाइस, तो आप देख सकते हो इसे कितने अच्छे से लेमिनेटेड किया गया है, इतने पन्नी निकाल रहे हो बहुत अच्छे से मजबूती से। गाइस, इस पन्नी को लेमिनेटेड किया गया है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर एक और कट्टा है और इस कट्टे में गाइस स्ट्रक्चर है। और गाइस, आप देख सकते हो इस पन्नी को भी निकाल दिया गया है, मैं इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप देख लीजिए। तो गाइस, लगभग ये अनबॉक्स हो ही चुका है। गाइस, मैं इस पार्ट को थोड़ा स्किप कर देता हूँ, आप बोर हो गए होंगे इसे अनबॉक्स होता हुआ देख कर। गाइस, तो आप देख सकते हो इसे अनबॉक्स कर दिया गया है, और गाइस आप ये जो देख रहे हैं इसे मोनोरेल बोला जाता है, और गाइस क्योंकि ये एल्यूमिनियम का होता है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में एल्यूमोनो रेल भी बोला जाता है, एलू मोनो रेल। तो गाइस, आप ये देख सकते हो ये इसे डबल साइडेड टेप बोला जाता है, और ये इसमें कुछ इसकी बाकी की एसेसरीज है, और आप देख सकते हो ये कुछ एसेसरीज है, नट बोल्ट मिल गई है, और आप देख सकते हो इसमें मिड क्लैंप जेड क्लैंप भी है। तो गाइस, आप देख सकते हो ये कुछ उसके बाकी के नट बोल्ट है, और आपको दिख रहा होगा इसमें मिड क्लैंप जेड क्लैंप है। तो गाइस, हमारे टीम मेंबर्स इसे लगातार अनबॉक्स किए जा रहे हैं। गाइस, तो आप देख सकते हो ये अनबॉक्स हो चुका है, और गाइस इस कट्टे में मिड क्लैंप जेड क्लैंप है, तो मैं आपको एक मिड क्लैंप दिखा देता हूँ। गाइस, आप देख सकते हो मिड क्लैंप कुछ इस तरह दिखता है, मिड क्लैंप बोलते हैं गाइस इसे, और ये मिड क्लैंप कुछ इस तरह दिखता है, और ये इसके कुछ बाकी का नट बोल्ट है। और गाइस, अब मैं आपको दिखा देता हूँ डबल साइडेड टेप। तो गाइस, ये है डबल साइडेड टेप। गाइस, आपको इसका मेन यूज़ तो पता ही होगा, ये डबल साइडेड होती है, दोनों साइड से चिप चीज को चिपका के रखती है। तो गाइस, तो मैं अब आपको जेड क्लैम्प दिखा देता हूँ। गाइस, जेड क्लैम्प कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हो, ये मैं आपको जेड क्लैम्प दिखाता हूँ। गाइस, तो इसे बोलते हैं जेड क्लैम्प, आप देख सकते हो गाइस ये जेड क्लैम्प है और ये मिड क्लैम्प है। गाइस, जेड क्लैम्प जेड की तरह होता है मिड। तो गाइस, सब कुछ अनबॉक्स हो चुका है, और आप देख सकते हो ये सोलर पैनल का स्ट्रक्चर पड़ा है, मोनोरेल डबल साइडेड टेप और मिड क्लैम्प जेड क्लैम्प एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो गाइस, अब मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ। गाइस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 किलोवाट का सोलर प्लांट पहले से ही लगा हुआ है। गाइस, ये ऑफ ग्रिड है, जिसमें बैटरी में स्टोर होती है इलेक्ट्रिसिटी, ऑलरेडी लगा हुआ है ये पहले से भी। तो गाइस, अब यहाँ पे 5 किलोवाट का और लगाया जाएगा, वो ऑन ग्रिड होगा और इसे भी ऑन ग्रिड में कन्वर्ट किया जाएगा। गाइस, तो आप देख सकते हो हमारा टीम मेम्बर सोलर पैनल के इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग कर रहा है, और गाइस ये 10 किलोवाट का सोलर पैनल का ऑन ग्रिड इन्वर्टर है, 10 किलोवाट का। गाइस, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरह दिखता है इन्वर्टर, और ये इसको बायर से MPPT खोलते गाइस, और कोई स्टैंड था, और ये वारंटी कार्ड है गाइस, और ये इन्वर्टर है, आप देख सकते हो ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन लिखी है, के सोलर का इन्वर्टर है 5G Pro। और गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी कुछ एसेसरीज, ये गाइस कुछ वही है जो इसके साथ आते हैं। गाइस, ये इन्वर्टर के साथ ही आती है एसेसरीज, और ये कुछ इसकी स्पेसिफिकेशन है, आप इन्हें वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। और गाइस, यदि आपको इस पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इंटरेस्ट बता देना, तो हम इसकी एक डिटेल्ड वीडियो डाल देंगे।
गाइस आप देख सकते हो ये साइड ऊपर से कुछ इस तरह दिखती है। और गाइस हमने ये मोनो रेल लगा दिए हैं और ये कुछ इस तरह लग रहे हैं गाइस। हमने इन्हें सीधा लगाने के लिए रस्सी का यूज़ किया, क्योंकि गाइस यहाँ पे वाटर लेवल का यूज़ हो ही नहीं सकता। और गाइस इसे बोलते हैं रिपीट। और गाइस इससे इसे लगाते हैं, इस रिपीट को, इस नट को, उसे बोलते हैं रिपीट टूल। तो गाइस ये कुछ इस तरह लगती है और आप देख सकते हो ये फ़ोन का भी है कुछ इसका ये साइड लग रही थी और हमारे टीम मेंबर्स वर्क कर रहे हैं। गाइस तो आप देख सकते हो हमारे टीम मेंबर्स मिड क्लैंप जेट क्लैंप का सेटअप बना रहे हैं। गाइस उसमें नट लगता है और मिड क्लैंप लगता है और जेट क्लैंप के में जेट क्लैंप और नट लगता है और जो स्प्रिंग होती है वो लगती है। इस तरह सेटअप बनाया जाता है, हमारे टीम मेंबर्स बना रहे हैं। और गाइस वो जो मोनोरेल है उस पर उसे रखा जाता है पैनल्स को और फिर उसके बाद वो मिड क्लैंप जेट क्लैंप से उसे कसा जाता है। तो गाइस इससे मजबूती आती है पैनल्स में और ये प्रोसेस होता है उसे लगाने का। गाइस तो आप देख सकते हो हमारे टीम मेंबर्स पैनल चढ़ा रहे हैं ऊपर। गाइस ये एक सिनेमा हॉल है 4th फ्लोर तक का, इसमें 4 फ्लोर्स है। तो गाइस इसमें अभी सीढ़ी से ही हम चढ़ा रहे हैं क्योंकि इसकी लिफ्ट ख़राब है, अभी उसे रेनोवेट किया जा रहा है। और गाइस एक पैनल करीब 30-35 किलो का होता है, तो आप समझ ही सकते हो 4th फ्लोर पे पैदल पैनल को ले जाते ले जाते हमारे टीम मेंबर्स की क्या ही हालत हुई होगी। तो ये हम ले जा रहे हैं पैनल, आप देख सकते हो। गाइस तो आप देख सकते हो यहाँ का वर्क कंप्लीट हो चुका है। और गाइस यहाँ पर 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगा है। गाइस यहाँ पे पहले 5 किलोवाट ऑफ ग्रिड लगा हुआ था मगर हमने उसे भी कन्वर्ट कर दिया ऑन ग्रिड में। तो आप देख सकते हो यहाँ का फाइनल व्यू। गाइस तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।